न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन आखिर में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 8 अंक नीचे 75,410 पर खिसक गया, वहीं निफ्टी 11 अंक नीचे 22,957 पर बंद हुआ, लेकिन इसने कारोबार के दौरान दिन में पहली बार 23,000 का आंकड़ा भी छुआ। सोने की कीमत में गिरावट जारी है। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 900 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 72,650 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी भी 500 रुपए सस्ती हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 92,100 रुपए हो गई। टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर कंपनी नया इतिहास रचने जा रही है। कंपनी की रेंज रोवर गाड़ी अब भारत में ही बनेगी। पिछले 54 सालों में यह पहली बार होगा जब रेंज रोवर का निर्माण ब्रिटेन से बाहर किसी दूसरे देश में होगा और भारत वो पहला देश होगा। पुणे में इसे बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि भारत में इसके निर्माण से देश में इसकी कीमतें 18 से 22 फीसदी तक कम हो जाएगी। निसान इंडिया मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी मैग्नाइट का गीजा स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए रखी गई है। निसान मैग्नाइट के एक साल पूरा होने के मौके पर कंपनी ने यह स्पेशल एडिशन वर्जन पेश किया है।